जय माता दी फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ शॉर्ट स्टोरी बाय हेनरी जेम्स दैट इज पेस्ट, अ 5800 वर्ड शॉर्ट स्टोरी विच वॉज पब्लिश्ड इन 1899. फ्रेंड्स, इफ वी टॉक अबाउट दिस स्टोरी, दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ पर्ल स्ट्रिंग और यू कैन से ज्वेलरी. तो इसीलिए आप देख सकते हो जो पिक्चर है, मतलब एक पर्ल ज्वेलरी की ये जो स्टोरी है, इसमें क्या होता है इन स्टार्टिंग कि इसमें एक आर्थर प्राइम नाम का एक पर्सन होता है जो एक क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और उनका स्टेप सन है जो उनकी मदर, अपनी मदर की जो नकली की जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी है उसको देखता है और अपनी कज़िन को साथ में लिए हुए है. उसकी कज़िन का नाम है शार्लोट और शार्लोट जो है एक गवर्नेस का काम करती है और ये ऑथर प्राइम की कज़िन है और मिसिस गाय जो हैं ये इनकी फ्रेंड हैं और आप ये भी कह सकते हो कि उनकी कलीग हैं. तो हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. तो इन स्टार्टिंग में ही क्या होता है कि आर्थर प्राइम जो है वो दिखाया जाता है और वो उनकी डेथ हो चुकी है उनके पेरेंट्स की, क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ की, जिनका ये स्टेपसन है. अब ये रिसेंटली मर चुके हैं लेकिन आर्थर प्राइम को ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाता है कि वो रो रहा है, जबकि वो अपनी कज़िन के साथ में है, शार्लोट के साथ में, और डिस्कस कर रहा है उसके अपने पेरेंट्स की बिलोंगिंग्स और उनकी देख रहे हैं उनकी डेथ के बाद में कि उनका क्या क्या सामान है. और उसी सामान में उनकी जो शार्लोट की जो आंट है, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये जो इनकी मदर हैं आर्थर की, उनकी ज्वेलरी देख रहे हैं जो कि नकली है. तो यहाँ पे इसमें एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल या फिर पर्ल ज्वेलरी यहाँ पे दिखाई जाती है. वो दिखाता है अपनी कज़िन को आर्थर जो है, तो शार्लोट जो है वो उस ज्वेलरी को देखकर बहुत खुश होती है और वो कहती है कि ये तो बहुत सुंदर ज्वेलरी है और ये तो पर्ल की बनी हुई है जो कि रियल पर्ल की है. तो वो कहता है कि नहीं, ये रियल पर्ल की ज्वेलरी नहीं है. आर्थर इस चीज़ को मना कर देता है और उसके बाद में वो क्यों मना करता है वो हम एट द एंड डिस्कस करेंगे कि इसमें मिस्ट्री क्या है. तो यहाँ पे आर्थर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है. वो कहते हैं कि नहीं, ये सारी जो ज्वेलरी है ये इमिटेशन है, मतलब नकली है. तो वो शार्लोट कहती है कि नहीं, बट मुझे तो सही लग रही है. तो वो कहता है कि अगर तुम्हें अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा पसंद है तो तुम चाहो तो इसको ले सकती हो. तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं लूँगी. तो लेकिन वो कहता है आर्थर कि नहीं, ये रियल पर्ल की नहीं है, ये तो पेस्ट की बनी हुई है. पेस्ट मतलब एक मटेरियल है जो, मतलब कि वो रियल पर्ल की नहीं है, वो एक पेस्ट की बनी हुई ज्वेलरी है. तो इसीलिए इसका टाइटल पेस्ट है. तो यहाँ पे आर्थर जो है वो अप्रूव कर देता है कि ये ज्वेलरी तुम रख सकती हो एज द मेमोरी ऑफ योर आंट, कि तुम्हारे आंट की एज ए मेमोरी तुम इसे अपने पास रख लो. शार्लोट जो है वो ज्वेलरी को अपने साथ में रख लेती है और अपनी गवर्नेस की जॉब पर वापस आ जाती है, जहाँ पर उसको अपनी फ्रेंड मिसिस गाय मिलती हैं. ये जो हैं वो ऐसे कहती हैं कि वो उनको एक ड्रेस दिखाती हैं और कहती हैं कि अपकमिंग पार्टी के लिए मेरी जो ड्रेस है ये कैसी है. तो शार्लोट कहती हैं अच्छी है, और वो साथ ही साथ में मिसिस गाय ये कहती हैं कि इसके साथ मेरे को कुछ और होता मेरे पास इस ड्रेस में कुछ ऐड करने के लिए, जिससे कि ये ड्रेस और सुंदर लगती तो कितना अच्छा होता. तो शार्लोट कहती हैं कि अगर तुम चाहो तो ये ज्वेलरी वियर कर सकती हो. तो जब ये मिसिस गाय जो हैं वो उस ज्वेलरी को देखती हैं तो वो भी उसे इतनी ही फैसिनेटेड होती हैं जब शार्लोट ने उसको देखी थी. वो कहती हैं कि ये तो पर्ल रियल हैं और जेन्युइन हैं. तो लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, ये मुझे मेरे कज़िन आर्थर प्राइम ने दिए हैं और उसने कहा था कि ये तो सिर्फ पेस्ट से बनी हुई हैं, तो तुम चाहो तो इसे पहन सकती हो. वो पार्टी में जा पहनती हैं और बाद में शार्लोट को ये पता चलता है कि पार्टी में और जो उसकी फ्रेंड है ये सब ये कह रहे हैं कि ये रियल है, तो मुझे अपने कज़िन को इसे वापस करना चाहिए क्योंकि मैं रियल पर्ल की बनी हुई जो ज्वेलरी है ये अपने पास नहीं रख सकती. मिसिस गाय कहती हैं कि तुम क्यों नहीं रख सकती हो, आर्थर मिलर तो फुलिश हैं जिन्होंने ये नेकलेस को तुम अब खुद से अलग कर दिया और तुम्हें दे दिया, लेकिन तुम्हें क्यों गिल्ट है, इसको तुम रख सकती हो. लेकिन शार्लोट को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, वो डिसाइड कर चुकी है कि मैं उसे अपने कज़िन को वापस कर दूँगी.
तो यहाँ पे जब वो कजिन को वापस देने के लिए जाती है, तो उसका कजिन अभी भी उसे रिफ्यूज कर रहा है कि ये जो पर्ल है ये रियल नहीं है। और वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम इसे नहीं रखोगी तो मैं इसे यूं ही फेंक दूंगा, मतलब मेरे लिए इसका कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज़ दीज आर नॉट रियल। तो 1 महीने बाद में क्या होता है, मिसिस गाय जो है उसको देखती हैं वो शैलॉट, और वो देख ये देखती हैं कि मिसिस गाय ने वही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, मतलब वही पर्ल की वो ज्वेलरी पहन रखी है, और वो देखती हैं कि ये कैसे हो सकता है कि वो तो सेम है, ये तो सेम पीस है। तो शैलॉट कहती है कि तुम्हें कैसे मिला, तो तुम्हें ये तो मेरी आंट की ज्वेलरी है। तो शैलॉट ये सरप्राइज हो गई ये सुनकर कि आर्थर ने उसे किसी को बेच दिया था, और मिसिस गाय कहती हैं कि मैंने वहाँ से ख़रीदा है, मैंने तो किसी स्टोर से ख़रीदा है, अब मुझे क्या पता कि आर्थर प्राइम ने इसके साथ क्या किया था। लेकिन उसको शैलॉट देखकर ये चीज़ रियलाइज़ करती हैं, और बाद में ये चीज़ रिवील भी हो जाती है कि मिसिस गाय ने ये जो ज्वेलरी है वो किसी स्टोर से नहीं ली थी, क्योंकि आर्थर मिलर ने कभी किसी स्टोर पे ये बेची ही नहीं थी, ये मिसिस गाय ने पर्सनली उसको कन्विंस करके आर्थर प्राइम से इसे लिया था। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये जो मिस्ट्री थी कि बार बार में आर्थर प्राइम इसको क्यों मना कर रहा था कि ये पेस्ट की बनी हुई है, ये रियल पर्ल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आर्थर इस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता था कि उसकी मदर जब एक्ट्रेस थी तो वो किसी और अदर पर्सन ने उसे गिफ्ट दिया था ये रियल पर्ल का, वो ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर सकता था। उसको मतलब यही चीज़ पसंद थी कि मेरी मदर के पास में जो गिफ्ट हैं वो मेरे फादर ने ही दिए हैं, और वो इतने महंगे गिफ्ट नहीं दे सकता था। तो अगर वो ये एक्सेप्ट करता कि ये जो ज्वेलरी है ये रियल पर्ल की है, दैट मीन्स कि ये उसकी मदर को किसी और ने दी थी जो उसकी रेपुटेशन के खिलाफ थी। तो दैट्स ऑल अबाउट उसके जो माइंड में जो चल रहा था कि वो किस लिए ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। सो इट्स ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन।